चंपट कुशीनगर उत्तर प्रदेश सह जिला रिपोर्टर प्रमोद पांडेय की रिपोर्ट। कप्तानगंज तहसील में कलेक्ट्रेट वार एसोसिएशन द्वारा मनाया गया अधिवक्ता दिवस। कप्तानगंज कुशीनगर कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन तहसील कप्तानगंज के द्वारा दिनांक 8 अधिवक्ता दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रताप सिंह व प्रभंस कुमार एडवोकेट को वस्त्र देकर व माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। उक्त अवसर पर वक्ताओं ने अधिवक्ता दिवस के अवसर पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मिर्जा इफ्तेहर हुसैन व महामंत्री विनोद मिश्रा आदि लोगों ने संबोधित कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस दौरान अधिवक्ताओं की श्रेणी में राजनंदन लाल श्रीवास्तव, दीनानाथ शर्मा, ज्ञान प्रकाश पांडे, अरुण कुमार सिंह, हीरा पांडे, सतीश चंद्र गांव, दिनेश राव, राधेश्याम, संजय सिंह, देवेंद्र लाल, संजय पांडे और संजय मिश्रा आदि अधिवक्ता लोग उपस्थित रहे। हमें आजाद भारत में जीना है और आजाद भारत से साथ लेना है, इसलिए आज हम आजाद में हैं और आज हमारा भारत आजाद। तो मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो चीजें आप लोग सोच रहे हैं उस चीजों को हम लोग पूरा कर रहे हैं और आने वाली कार्यकारिणी भी आपकी सोच को पूरा करेगी, ये मुझे आशा है। इसी सब शब्दों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करना चाहता हूँ और आज इस शुभ काल में हमारे कौशल भाई कसिया से चल करके यहाँ आए हैं, यहाँ आते हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज सोमवार के दिन ये अधिवक्ता दिवस पड़ा, जिससे आप उपस्थिति हो गई और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, हम लोग का मार्गदर्शन और निश्चित रूप से हम लोग को जानकारी दी। अब हम चाहेंगे हम लोग के बीच के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रभंस जी हम लोग का मार्गदर्शन करें। अधिवक्ता मित्रों, बाबू डॉक्टर राजेंद्र, सबसे पहले तो मैं अधिवक्ता दिवस के अवसर पर सभी साथियों को शुभकामना करता हूँ। जो हमारे साथी पुल से अगर कुछ पांचन हो कर सके हो तो बाबू राजेंद्र प्रसाद के अधिवक्ता दिवस को शुभ दिन दिसंबर को ही मनाया जाता है। इस पर बाबू भारत का संविधान जो है संविधान से कहें बता संविधान समिति के अध्यक्ष बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और जब देश आजाद हुआ तो संविधान समिति की जिम्मेदारी समिति बनाई दी गई, जिस संविधान समिति के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद जी थे और उस संविधान से भारत की पूरी कानून व्यवस्था बनी। इसलिए हम लोग जो है इनके जन्म दिवस को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं हमेशा, और हम ही लोग नहीं पूरे भारत के अधिवक्ता अधिवक्ता दिवस के रूप में देखते हैं। और इसके बाद अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ। दो मिनट आप लोगों से थोड़ा सा संबंध में जो है अधिवक्ता दिवस में विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। सभी सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं को मेरा मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। बंधुओं, आज अधिवक्ता दिवस है और हम लोगों के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म के वर्षगांठ को हम लोग मनाते हैं। और राजेंद्र प्रसाद के जन्म जो है 1803 दिसंबर 1884 में हुआ था, बिहार प्रांत के छोटे से गांव जिया में। ये विद्वान अधिवक्ता थे और ये जो है स्वाधीन आंदोलन में प्रमुख रूप से इनकी अग्रणी भूमिका थी। दूसरी, ये संविधान निर्माता में भी इनकी प्रमुख योगदान था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष के रूप में भी काम किए और ढेर सारे उत्कृष्ट कार्य किए। देश आजाद हुआ, देश आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 16-12 वर्ष तक काम किए और 12 वर्ष के उपरांत इन्होंने 1962 में अवकाश लिए
अवकाश के उपरांत भारत सरकार ने इनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इनको नवाजा। और इसी को लेकर के आज पूरे भारतवर्ष के अधिवक्ता समुदाय अधिवक्ता दिवस मनाते हैं इनके जन्म के वार्षिक वर्षगांठ पे, और जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। और हम लोग जैसे कि आज वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ये परमहंस कुमार जी और ये तिवारी जी और सबको जो हम लोग आज सम्मानित किए हैं, पूरे देश के लोग पूरे अधिवक्ता वर्ग आज अपनी दिवस मनाकर सम्मानित करते हैं। और बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुष्प, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बंधुओं, ये हम लोग का बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज हम लोग सभी लोग बैठ करके इनके हम लोग अधिवक्ता दिवस मना रहे हैं। इसी सब बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता।